आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो आपके लिए बेहद जरूरी है। पहली तस्वीर गाजियाबाद की है और दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की है। अगर आप एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं तो सावधानी से जाएं। आपके पैसे की आड़ में कहीं आपके घर कोरोना तो नहीं पहुंच रहा है, इस बात का भी ख्याल रखें। हमारे सवाल पूछने पर महाराजगंज के डीएम ने तुरंत कार्रवाई की और एटीएम की सुरक्षा को लेकर दुरुस्त हो गए। दरअसल हमने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम गाजियाबाद के एक एटीएम में पहुंचे। वहां सैनिटाइजर को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े किए। उधर महाराजगंज से नवीन भी एटीएम की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। हम इस समय खड़े हैं, एक बैंक है, आप देखिए जो है ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, यहाँ हम खड़े हैं और यहाँ कुछ लोग हैं जो पहुँचे हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जो है इस लॉकडाउन में वो निकले हैं तो किस तरह का वो एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आप ये बताइए कि क्या नाम है आपका? राकेश यादव। राकेश यादव, कहाँ से आए हैं आप? ये बताइए आप पैसा निकालने आया इसमें जो है बैंक में, तो कैसे ना सेने, आपके पास सैनिटाइजर है लेकिन मजबूरी तो है पैसा निकालने के लिए, आखिर कहाँ चलेगा? मेरे साथ जो है गार्ड है, उनसे बात करेंगे। सुबह के टाइम में जो है एटीएम साफ कर दिया जाता है सैनिटाइजर से। अगर सुबह के टाइम में करते हैं, अगर शाम तक कोई व्यक्ति आता है संक्रमित, अगर उसको छू लेता है तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बन जाएगा और लोगों में, तो ऐसे में किस तरह का प्रबंध बैंक द्वारा किया जा रहा है? बैंक द्वारा यही किया जा रहा है, हर एक आदमी का हाथ धुलवाया जा रहा है। उधर कुछ ऐसी ही तस्वीरें गाजियाबाद से भी देखने को मिली है। इस वक्त मैं इंदिरापुरम के पंजाब नेशनल एटीएम में मौजूद हूँ। यहाँ पर पासबुक के लिए एक मशीन रखी गई है, इसके अलावा एक मशीन अलग रखी गई है और पैसे विड्रॉल करने के लिए अलग मशीन रखी गई है। इसके अलावा एक एंट्री के लिए मशीन है और एक और मशीन यहाँ पर रखी गई है पैसे निकालने के लिए। कुल मिलाकर 4 मशीनें यहाँ पर रखी गई हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़रूरी बात है, अगर एटीएम की बात की जाए तो यहाँ पर सैनिटाइज करने के लिए किसी भी तरह का सैनिटाइज़र नहीं रखा है, जो कि यहाँ पर कोरोना वायरस को फैलाने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जब भी हजारों लोग आते हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं और लगातार इन बटनों को छूते हैं, यहाँ पर अपना हाथों से छूते हैं, फिर उसके बाद वो अपने पैसे या फिर बैंक की कॉपी लेकर चले जाते हैं। लेकिन अगर वो संक्रमित हैं तो उनका वायरस इस जगह पर लगा रह जाएगा और फिर जो भी कोई व्यक्ति आएगा और उसे छुएगा तो कहीं ना कहीं उसका भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद बैंक कर्मचारियों की लापरवाही माने या फिर सरकार की अनदेखी, प्रशासन की अनदेखी माना जाए, जो भी है कुल मिलाकर एक बात साबित करती है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना से पीड़ित यहाँ पर आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं सैकड़ों लोगों के लिए खतरे का सबक बन सकता है। फिलहाल तस्वीरें देखकर ये तो साफ हो गया है कि एटीएम पर जाने से पैसों के साथ साथ कोरोना वायरस आपका इंतजार कर रहा होगा। ऐसे में जरूरत है आपको होशियारी की और प्रशासन को कड़े इंतजाम करने की।